शॉकिंग खुलासा, सिम्बा नागपाल ने बताया इन तीन कंटेस्टेंट्स को फेक और नकली। जी हां, शक्ति एक अस्तित्व के एहसास की अभिनेता सिम्बा नागपाल ने बिग बॉस 15 के घर में पूरी ताकत के साथ प्रवेश किया और उनकी सभी गर्ल प्रशंसक उन्हें देखने के लिए उत्साहित थी। हालांकि घर में उनका सफर उतना रोमांचक नहीं रहा जितना उनके प्रशंसकों को उम्मीद थी। शो में कई बार सिम्बा को नींद में सिर चढ़कर बोलने के लिए चुना गया। वीकेंड के वार के दौरान सलमान खान ने उन्हें और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दुख की बात है कि वह बिग बॉस 15 से बेदखल होने वाले नवीनतम प्रतियोगियों में से एक बन गए। निष्कासन के बाद उन्होंने बॉलीवुड लाइफ के साथ बातचीत की और शो में उनके अनुसार नकली प्रतियोगियों के बारे में बात की। उन्होंने तीन प्रतियोगियों तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और जय भानुशाली को चुना और उल्लेख किया कि वे बिना किसी कारण के बिग बॉस 15 के घर के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि वे उन सभी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वे वास्तविक जीवन में ऐसे नहीं है, लेकिन शो में फुटेज हासिल करने के लिए तेजस्वी, करण और जय इस तरह से बदल गए। जय के बारे में उन्होंने कहा कि मैं जय भानुशाली को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वे वास्तव में ऐसे नहीं है। भाईजान ने उसे एक सप्ताह के अंत में कहा कि वह दिखाई नहीं दे रहे, तब से वह इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं। मुझे लगता है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है और लोगों को यहाँ असली रहना चाहिए। सिम्बा बाहर हो गए, जय भानुशाली भी बिग बॉस 15 से बाहर हो गए। हमारे पास घर में तीन नई प्रविष्टियां हैं, राखी सावंत, देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई। हम देखेंगे कि बिग बॉस 15 में ये तीनों कौन से नए धमाके और ट्विस्ट लेकर आते हैं।